इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं, सही बात है? और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको यह बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है, यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है, यह हो रहा है। आज मैं अभी सड़क पर था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा, और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 परमार सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधारकर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।